केंद्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने आज मुरादाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए भाजपा पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर के शिलान्यास पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भूमि पूजन नहीं हुआ, केवल कुछ ईंट का पूजन हुआ है, केवल लोगों को धोखे में रखा गया है और वो ईंट कहाँ चली गई कोई नहीं जानता। जबकि पूरे देश में पंडितों ने कहा था कि ये समय भूमि पूजन के लिए सही नहीं है, लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी। इनकी नियत ही नहीं है मंदिर बनाने की, केवल धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। अगर ये मंदिर बना देंगे तो वोट किस नाम पर मांगेंगे? सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर पर निर्णय दे दिया, इनका मुद्दा खत्म हो गया। अब इनकी असलियत सामने आ गई कि सबको ऐसे ही बैठा कर रखेंगे और पैसा जमा करेंगे। जो पैसा मंदिर के नाम पर जमा हो रहा है उसे 2022 के चुनाव में लगाएंगे। उसके लिए रथ बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर हायर किए जा रहे हैं, छोटे जहाज ढूंढे जा रहे हैं। ये लोग भगवान राम के नाम पर पैसा लेकर चुनाव में लगाने जा रहे हैं। सतीश मिश्रा आज मुरादाबाद स्थित प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। कि आज लखनऊ आए हैं, दो दिन के दौरे पर क्या कहेंगे? देखिए, अब बहुजन समाज पार्टी के उस बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं और ब्राह्मण समाज का हम लोगों का जिस तरीके से ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ में वो जुड़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है और दिन पर दिन और ज़्यादा जोश के साथ बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए जो हम लोगों की गोष्ठी हो रही है समाज की, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो परेशानी होनी ही है। तो अभी आप अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष आए हैं, इससे पहले आपको मालूम होगा हम 23 तारीख को अयोध्या गए थे, 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ पहुँचना पड़ा था। तो ये सब तो चलेगा ही, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ईंटों का पूजन हुआ था, कोई भूमि पूजन नहीं हुआ, लोगों को धोखे में रखा कि हम भूमि पूजन कर रहे हैं, वहां तो ईंट पूजन हुआ था और वो ईंट कहां चले गए ये भी किसी को नहीं पता। जबकि पूरे देश के पंडितों ने और सबने कहा था कि ये दिन जो है शुभ नहीं है, इस दिन तुमको नहीं भूमि पूजन करना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें तो यही दिन करना है, हमको तो यही अच्छा लगता है, इसलिए हम इस दिन में करेंगे। नियत ही नहीं है मंदिर बनाने की, खाली धर्म के नाम पे वोट लेने की नियत है। मंदिर बना देंगे तो मुद्दा कहाँ है? अब मंदिर बना देंगे तो वोट कैसे मांगे हम आपसे? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, उनका मुद्दा खत्म हो गया, जिस नाम से वोट मांगते थे वो खत्म हो गया, इनका असलियत भी सामने आ गई। आप बड़े भारी बनते थे कि हम जमीन, अगर आपकी सरकार यहां भी थी, दिल्ली में थी, क्यों नहीं कानून बना दिया? किसानों के ऊपर कानून थोप सकते हो और धक्का मुक्की में कानून पास करा सकते हैं, इसका कानून क्यों नहीं बनाया? क्योंकि नियत नहीं थी, सोच यही है कि हमें इस पे नहीं बनाना है। आप न्यू तो छोड़िए, मंदिर तो छोड़िए, अभी न्यू में नहीं पड़ी है, न्यू बनना भी शुरू नहीं हुई है, तो मंदिर क्या बनेगा? ये तो आपको ऐसे ही बैठाल के रखेंगे, पैसे इकट्ठा करते रहेंगे, पैसों का इस्तेमाल कहाँ करेंगे ये वही जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि किस तरह से अपनी पार्टी के लिए और अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए और आने वाले चुनावों के लिए हर चुनाव में, वरना कैसे इतना पैसा खर्चा करते। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, आप लोग खुद देख रहे हैं, एक एक शहर में, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दसियों रथ चल रहे होंगे, 20,000 रथ का इंतजाम करा जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, खाली 50 हेलीकॉप्टर इकट्ठा हो रहे हैं, फिर उसको बढ़ा करके हर जिले के हिसाब से एक हेलीकॉप्टर 75 हेलीकॉप्टर कर रहे हैं, ये वो अभी से तैयार कर रहे हैं, छोटे वाले हवाई जहाज इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सब पैसा जो करोड़ों अरबों लगे कहाँ से आएगा? तो वो यही पैसा है जो चंदा में लेकर के और भगवान राम के नाम पे लेकर के उसको इस्तेमाल करने का काम करते हैं। नियत उनकी ये नहीं है, हमसे पूछने लगे, हमारे हमसे प्रश्न करने लगे। अयोध्या जाते ही आप लोगों ने भी देखा हो मीडिया के माध्यम से, और कि आप ये बताएं मिश्रा जी के अयोध्या क्यों आए, इनका अयोध्या से क्या लेना देना?